फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने 3 सेट ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी। अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं हम कि ग्राफिकली उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, या फिर हम बोल सकते हैं हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर था। ये रामानों की वो ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम एक्सिस ले रखा है, अलोंग वाई एक्सिस हमने वेलोसिटी एक्सिस ले रखा है, और वेलोसिटी को किस यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, जो उसके मेजरमेंट्स हमने दिए हैं। तो यहाँ से देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा था, इनिशियली उसकी पोजिशन ले रखी थी ए, तो इनिशियल जो उसकी पोजिशन रहेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही रहेगी। सो यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए। जब जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा, देखो यहाँ टाइम चेंज हो रहा है आपका, टाइम चेंज होते ही उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी, और वो पॉइंट बी पे कंसीडर करके चल रहे हैं हम। अब ये देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ से क्या आएगा, हमारा एक नई टर्म आएगी जिसे आप एक्सेलरेशन बोल के चलते हो। अब हमने क्या किया, प्रोपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कर ली, बी से प्रोपेंडिकुलर हमने सी पे ड्रॉ किया, और बी से ही प्रोपेंडिकुलर हमने ई पे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर रखे हैं प्रोपेंडिकुलर बी टू सी एंड बी ई। ये अलोंग, ये ऑन टाइम एक्सिस है और ये ऑन वेलोसिटी एक्सिस रहेगा। अब ये देखो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, जो हमने ओ ए ले रखा था वो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ टू ए आप यू को रिप्रेजेंट करके चलोगे, ये रहा ओ ए रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, और बी सी किसे रिप्रेजेंट करेगा, बी से रिप्रेजेंट करेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी को जिसे आप वी से रिप्रेजेंट करके चल रहे हो, और ओ सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो अगर मैं ये लिख के चलूँ बी डी, इसकी वैल्यू क्या होगी जब आप इस पूरे में से इस छोटे वाले पोर्शन को माइनस कर दोगे, तो ये लिखा हुआ बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लाइन, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो यहाँ हमें फिगर से क्या क्या दिख रहा है, बी सी, ये रहा बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ये डी सी और ये ए ओ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वैल्यू भी दोनों की सेम रहेगी। तो अगर मैं ये बोल दूँ डी सी इज इक्वल टू ए ओ, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये देखो डी सी इज इक्वल टू ए ओ, मैंने यहाँ चेंज कर दिया। तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अभी हमने बोला था बी डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डी निकालना है हमें, बी सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी वी को, और ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए हमारा, सॉरी इसमें गलत लिखा गया, हमारा बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी वी को, और ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू को। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, सो बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या निकाला था अभी, बी डी, देखो वी माइनस यू आ रहा है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, सो बी डी डिवाइड बाई टाइम टेकन क्या आ जाएगा, ओ सी आ जाएगा। ओ सी डायरेक्ट टी की वैल्यू पुट कर दी, बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली थी वी माइनस यू। जब आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी, जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आएगी।